ये भी नहीं करने दिया गया। यानी इससे भी जाहिर होता है कि दलित को कोई हिंदू नहीं मानता। ने आज वही काम किया जो नहीं करना चाहिए। आजकल सत्ता में बैठे कुछ लोग खुद कानून बन गए हैं, खुद फैसला कर रहे हैं। जय भीम दोस्तों। दोस्तों मैंने हाथरस की घटना पर आए फैसले को लेकर एक शॉर्टकट वीडियो बनाया, तो कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, यानी कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट किया कि भैया थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि इस वक्त क्या फैसला आया है, कैसे क्या हुआ। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में पूरा, तो वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। दोस्तों हाथरस की घटना एक ऐसी मात्र घटना थी जिसको देखने के बाद और सुनने के बाद सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता था कि आखिर ऐसी बर्बरता सिर्फ दलितों के साथ क्यों, सिर्फ दलित बहन बेटियों के साथ क्यों। दोस्तों हाथरस की घटना में एक दलित परिवार जिसके घर की बेटी मनीषा वाल्मीकि थी, जिसके साथ कुछ सवर्णों ने दरिंदगी की, मारकर हाथ पैर तोड़े, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, अपराधियों की नाम ना बता सके इसलिए उसके जीभ भी काट लिए गए। मरे हुए सेज पर तड़पती मनीषा वाल्मीकि एक दलित बेटी बार बार जान की भीख मांगती रही और न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन यही भाजपा के कुछ नेतागण ऐसे भड़वा गिरी वाला बयान दिए, कह रहे थे वो क्यों आई, वो क्या करने घास करने गई थी, वो तो खुद ही आई होगी। एक दलित बेटी के साथ सिर्फ ऐसा हुआ, एक दलितों के साथ सिर्फ ऐसा होता है। अपमानजनक टिप्पणियां इन लोगों ने किया और पूरी तरह सरकार इन्वॉल्व थी, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि पीड़िता के परिवारों ने खुद कहा है। फैसला आने के बाद उन लोगों ने खुद कहा कि सरकार यानी योगी सरकार पूरा इन्वॉल्व थी इस घटना में। इसमें ये कहना चाहती हूँ कि इतने सब सारे शुरू से लेकर अंत तक योगी जी का इस पे हाथ है, उन्होंने ठाकुरवादी बना के रखा है देश में। क्योंकि जब पोस्टमार्टम हुआ, लाश को लाया गया, रात को पेट्रोल डालकर फूंक दिया गया मनीषा वाल्मीकि की शव को। आप भी जानते हैं कि जब हिंदू धर्म में कोई कुंवारा मतलब व्यक्ति होता है, या लड़की हो या लड़का हो, जब वो मरता है तो उसके साथ एक रस्म होती है, उसके बाद ही उसका दाह संस्कार होता है, लेकिन ये भी नहीं करने दिया गया। यानी इससे भी जाहिर होता है कि दलित को कोई हिंदू नहीं मानता, और लगातार समय समय पर चीज देखा भी गया है। 2 साल बाद फैसला आया है इस बर्बरतापूर्ण शर्मनाक घटना पर, 2 साल बाद फैसला आया है जिनमें 3 अपराधियों को रिहा कर दिया गया और 1 अपराधी को सिर्फ उम्र कैद की सजा दी गई। निर्भया कांड में क्या हुआ था, 4 अपराधी थे, 4 को फांसी दे दिया गया, यहां 1 को भी नहीं दिया गया। ये जातिवाद नहीं तो क्या है? और मैं नहीं कह रहा बल्कि पीड़िता के परिवार वाले खुद कह रहे हैं कि योगी सरकार ने इसमें जातिवाद किया है, ठाकुरवाद किया है, फैसला हमें नहीं बल्कि ठाकुरों को मिला है। योगी जी का इस पे हाथ है, उन्होंने ठाकुरवादी बना के रखा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं सारा काम जज ही करते हैं, मुझे नहीं लगता। कोर्ट का नतीजा हमारे सामने आया, तो कोर्ट हमें अब इस पे भरोसा नहीं रहा। होने के बावजूद भी कोर्ट ने आज वही काम किया जो नहीं करना चाहिए। आजकल सत्ता में बैठे कुछ लोग खुद कानून बन गए हैं, खुद फैसला कर रहे हैं। तभी तो कुछ लोग अगर थोड़ी सी टिप्पणी टपड़ा कर रहे हैं तो उनके घर पे बुलडोजर चल जा रहा है। यहाँ तो पूरा अपराधी है, एक बेटी का जान लिया, एक बेटी के साथ दुष्कर्म करने का, उसके घर अभी तक बुलडोजर नहीं चला, सिर्फ उम्र कैद की सजा दी गई है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये दया याचिका दाखिल करके कुछ दिन पहले ही यानी कुछ साल पहले रिहा हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, कम से कम 1 को भी तो फांसी यहाँ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहाँ 4 को फांसी दी गई, यहाँ 1 को भी फांसी नहीं दी गई। जानते हो क्यों? क्योंकि हम दलित हैं, हम कर ही क्या सकते हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो हमें मार दिया जाएगा, क्योंकि दलितों को मारना तो आसान हो गया है इसका, क्योंकि दलितों की बारातों में कोई बंदूक लेके पहुंच जा रहा है, कोई गांव में घुसकर दलितों को पीट दे रहा है, कहीं देखो दलित बच्चे को गोली मार दिया, कहीं दलित बेटी की शोषण कर लिया गया। कहने में भी घिन आती है कि दलितों के साथ आजकल क्या हो रहा है, क्या शोषण के लिए हम बने हैं। और यहाँ तक जो हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं वो भगवे झंडे लेकर हमारे साथ खड़े नहीं होते, बल्कि अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जो उच्च जाति का कहते हैं ना खुद को, उनके साथ, और ये देखने को मिलता है हर जगह। अभी छतरपुर के मध्य प्रदेश में घटना हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री के भाई के साथ देख रहे हैं, उसके साथ उस अपराधी था, उसके साथ कुछ लोग भगवा झंडा लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए
उसके पक्ष में हो गए, लेकिन दलितों के साथ कोई नहीं आया। आया तो सिर्फ एक दलित दलित संगठन आया। पैसे के बल पर उसको भी रिहा कर दिया गया। परिवार आज भी डर के मारे कांप रहा है। खैर कैसा होगा, दलितों के साथ क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता। बट मैं कहूँगा कि हर दलित खुद न्याय के लिए सक्षम हो जाए बस। जय भीम, जय भारत।